हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी पिटारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं शकरकंद से पूड़ी। यह पूड़ी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमने 500 ग्राम शकरकंद ले लिया है और इसको बीच से दो टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि शकरकंद का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो उबालने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने दो टुकड़े कर लिए हैं। तो हमने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें शकरकंद को इस तरह से डाल करके ढक करके उबाल लेंगे। तो देखिए, शकरकंद उबाल करके छील करके हमने ले लिया है। अब इसे मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए आप किसी मैशर या हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शकरकंद को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हमने एक कटोरी आटा ले लिया है, इस तरह से बड़ी कटोरी। हमें इसमें माप की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें आटा शकरकंद से गूंदना होता है, तो जितना शकरकंद से आटा गूंद सके उसी हिसाब से लेंगे। इसमें हम चीनी पाउडर ले रहे हैं। तो शकरकंद मीठा होता है, फिर भी अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी का पाउडर डालें, अन्यथा स्किप कर दें। पूड़ी में अच्छी खुशबू लाने के लिए हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, सौंफ से भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है पूड़ी में, तो आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। और अब हम मैश किए हुए शकरकंदी से आटा गूंदेंगे। पहले हमने एक कटोरी आटा लिया है, अगर बाद में हमें ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे। और इसमें हमने लगभग 2 से 3 चम्मच आयल डाल दिया है। पूड़ियाँ शकरकंदी से ही काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो आयल की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसमें हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने मैश किए हुए शकरकंद को डाल दिया है और आटे में अच्छे से मिक्स करना है। अगर आटे में बाद में ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो हम हल्की सी छींटे इस तरह से डाल लेंगे और आटा को गूंद करके रेडी करेंगे। तो 500 ग्राम शकरकंदी के लिए एक कटोरी आटा पर्याप्त है, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, या उतना आटा ही डालें जितना कि शकरकंदी के साथ अच्छे से गूंद सके। और हल्का सा इस तरह से ऑयल लगाते हुए आटे को और भी सॉफ्ट करके तैयार करेंगे। तो आटा गूंद करके रेडी हो गया है। अब हम इसे इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। और अब 10 मिनट हो गए हैं, आटे को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं और अच्छे से गूंद लेते हैं। आटा बिल्कुल भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बना करके पूड़ियां बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी पूड़ियां, नॉर्मल पूड़ियां जैसे बनाते हैं उस तरह से बेल लेंगे, या आप चाहें तो एक बड़ी पूड़ी बना करके भी किसी गिलास या कटोरी से छोटी छोटी पूड़ियां निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको जिस हिसाब से बनाना हो, थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी पूड़ी बना सकते हैं। शकरकंद की पूड़ी नॉर्मल पूड़ी से थोड़ी मोटी होती है, इसलिए देखिए हमने लोई थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई है। अब इसे सूखा आटा लगा करके एक एक करके पूड़ियाँ बेलते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो कढ़ाई में हम तेल गर्म करते हैं। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, सरसों के तेल में भी शकरकंद की पूड़ियाँ तल जाती हैं तो अच्छी होती हैं, और रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक पूड़ियाँ इस तरह से तलेंगे और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पूड़ियों को तल लेंगे। चूल्हे का फ्लेम हाई रखेंगे। यह पूड़ियाँ बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से फूल जाती हैं। देखिए कितने अच्छे से पूड़ी फूल रही है। और इसको हल्का सा कलछी से दबाते हुए इस तरह से दोनों तरफ से सुनहरा कर लेंगे। तो पूड़ी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, अब इसे हम निकाल देते हैं। और इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी और सारी पूड़ियाँ इसी तरह से हम तल लेंगे। इस पूड़ी को आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं, या अचार के साथ भी खा सकते हैं, या आपको सब्जी या अचार के साथ खाना न पसंद हो तो आप इस पूरी को
बिना सब्जी और बिना अचार के भी खा सकते हैं। यह पूरियां मीठी होती है, इसलिए आप इसे जिस तरह से चाहें उस तरह से खा सकते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।